गुरुग्राम विश्वविद्यालय के शिक्षण संस्थान के शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज डाबर के नेतृत्व में जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री के नाम पर सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि गुरुग्राम विश्वविद्यालय ने वर्ष 2018 में UGC के दिशा निर्देशों के अनुसार लेक्चरर की नियुक्ति शिक्षण संस्थान के रूप में की गई थी। आरोप है कि वेतनमान में गैर PhD धारकों के लिए 30,000 और PhD धारकों के लिए 35,000 रुपए तक उन्हें सीमित कर दिया गया। उनका कार्यभार UGC के मापदंडों से अधिक है। फार्मेसी विभाग में उनके नाम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के पोर्टल पर स्थायी कर्मचारियों के रूप में शामिल किए गए, जो कि गलत है। वर्ष 2019 के समान काम के लिए समान वेतन के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद उन्हें सहायक प्रोफेसर के समान मुआवजा, चिकित्सा या मातृत्व अवकाश भी नहीं दिया जा रहा। यदि कोई भी अवकाश लेते हैं तो वेतन काट लिया जाता है। सरकार जिस तरीके से कहती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, क्या ऐसे बेटियां पढ़ेगी? आप देखिए, PhD होने के बावजूद भी आज इनकी तनख्वाह मात्र 30,000, मात्र 35,000, और उसके बाद दावे करते हैं। गुरुग्राम विश्वविद्यालय में जिस तरीके से इनके साथ व्यवहार हुआ, बहुत ही दयनीय और बहुत ही अशोभनीय किस्म की टिप्पणी की जाती है कि आप दिहाड़ी मजदूर हैं। क्या ऐसे कोई और PhD करके क्या दोबारा से बच्चों को पढ़ाएगा? जिस तरीके से व्यवहार किया जा रहा, सरासर गलत। एक समान वेतन की बात करते हैं, एक समान काम की बात करते हैं, और उसके बाद आप फर्क रखते हैं। इस तरीके से बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। इनकी जितनी मांगे हैं सभी जायज है, और एक महिला होने के नाते आप देखिए, कोई भी महिला है उनको मैटरनिटी लीव का एक हक बनता है। ये कोर्ट भी कहती है कि उनका हक है। अगर उनसे मातृत्व का आप छुट्टियों का हक छीनते हैं तो कहीं ना कहीं आप की दर्शाता है कि आप लोग महिला विरोधी भी हैं। तो इनकी जितनी भी मांगे हैं सभी बिल्कुल पहली कलम से मैं कहता हूं, इनको मैं विश्वास दिलाता हूं, पहले तो हम RDC साहब को ज्ञापन देंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि इनकी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया जाए और इनकी सभी मांगे मानी जाए। और मैं इनको आश्वस्त करता हूं कि कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ है। सर, मुद्दा ये है कि 2018 में गुरुग्राम यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई थी, तब से हम सब यहाँ पे टीचिंग रिसोर्स पर्सन का काम कर रहे थे। हम सबको यहाँ पे बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसर वाला वर्कलोड दिया गया, यहाँ तक कि उससे भी ज्यादा दिया गया, और हमने पूरा निष्ठापूर्वक सारा काम किया, लेकिन समान कार्य समान वेतन वाला अधिकार हमको नहीं मिला। और जब हमने ये अधिकार मांगा तो हमको मना कर दिया गया देने से। फिर हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो जब कोर्ट से हमने स्टे ले लिया इस चीज पे कि हमको नहीं निकाला जा सकता, तो हमारा काम छीन के, हमारा वर्कलोड छीन के दूसरे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को दिया गया। वहां पे हमें मात्र कहीं किसी किसी को तो 2,000 की तनख्वाह, किसी को 3,000, 6,000 इस तरह की तनख्वाह मिली है। तो हमारे ऊपर बहुत मेंटली टॉर्चर किया गया है, इमोशनली टॉर्चर किया है, सोशली हमको बॉयकॉट किया गया है यूनिवर्सिटी से। हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हुए हैं और अब हम अपनी मांगे रखना चाहते हैं प्रेस के सामने। हम चाहते हैं कि हमारे जो डेजिग्नेशन है उसको ठीक किया जाए, हमें टीचिंग रिसोर्स पर्सन से असिस्टेंट प्रोफेसर की डेजिग्नेशन दी जाए। हमारा अपॉइंटमेंट लेटर, हम जब जब अपॉइंट हुए थे हम सबको हमारा अपॉइंटमेंट लेटर मिलना चाहिए। हमारा जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का 2018 से, वो एक्सपीरियंस हमको मिलना चाहिए। हमारा काम, हमारा वर्कलोड हमको वापस मिलना चाहिए और उसी हिसाब से हमारे बेसिक पे सैलरी मिलनी चाहिए हम सबको। हमारी जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, प्लस हमें मेडिकल मेटर्निटी बेनिफिट्स मिलने चाहिए। और यहाँ तक कि हम लोगों को, जब हम यहाँ पे एज अ टीचिंग रिसोर्स पर्सन काम करते थे, हमें अगर ब्रेक हो जाती थी तो हमें सैलरी नहीं दी जाती थी। अगर ब्रेक है, सेमेस्टर ब्रेक है, एग्जामिनेशन ब्रेक है, छुट्टियां हैं, तो हमको सैलरी नहीं दी जाती है, हमको वो सैलरी मिलनी चाहिए। इनफैक्ट पहले तो एक ऐसा हाल था कि अगर हमने बाई चांस मेडिकल इमरजेंसी में छुट्टी ले ली तो वो जो कैपिंग अमाउंट जो ये चिल्लड़ हमको बांटते थे उसमें से भी हमारे पैसे काट लिए जाते थे। तो यही हमारी मांगे हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारी इन मांगों को सुने और मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि हमारी इन मांगों को पूरा किया जाए। यूनिवर्सिटी के VC या मैनेजमेंट से बात हुई है आपकी? बिल्कुल हुई है सर, हमने मैनेजमेंट से बात की गई है। बहुत ही काफी सारे डिपार्टमेंट में, एक दो डिपार्टमेंट में जब ये सब बातें चली हैं तो डीन्स ने बहुत गलत तरह की टिप्पणियां की हैं कि ये तो दिहाड़ी मजदूर पे मजदूर की तरह आते हैं, काम करते हैं, तुम्हारी वैल्यू क्या है, ये तो फ्रस्ट्रेटेड औरतें हैं, ये क्यों मुंह उठा के आ जाती है, इनकी तो मैं शक्ल नहीं देखना चाहता। इस तरह के कमेंट्स तक पास हुए हैं हम पर, हमें बिल्कुल सोशली बॉयकॉट किया गया है। सर, अब DC से मुलाकात की है, क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? अभी हम DC सर के पास मेमोरेंडम, हमारा ज्ञापन लेके जा रहे हैं, तो देखते हैं DC सर का क्या से होगा इस चीज में।
जी बिल्कुल सही, 2018 से इन टीचरों की भर्ती की गई है और इन टीचरों को जो भी इनकी सैलरी इनको अपॉइंटमेंट लेटर में बोली गई थी वो सैलरी भी नहीं मिली है इनको, ना तो मैटरनिटी बेनिफिट्स मिले हैं, ना अगर कोई छुट्टी होती है या कोई एग्जामिनेशन होता है उस समय पर भी इनको इनकी तनख्वाह नहीं दी जाती है। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार, वो सरकार जो गुड़गांव का नाम बदल कर गुरुग्राम करती है, उस सरकार में महिला गुरुओं की जो हालत है उसका संज्ञान ले, इन टीचरों को इनका हक मिले और इनको जो भी बेनिफिट्स इनको मिलने चाहिए वो मिले। और अगर इस सरकार ने उनकी सुनवाई नहीं की तो हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी इनके पहले कदम से इनकी समस्याओं को सुनेगी और हम